ई होप ऑल ऑफ यू आर क्रिएट एंड डूंग वेल सो टू डे वी टॉक ऑल अबाउट मैस्टोर कप एक्चुअली ये मैस्ट्रोक पार्ट थ्री लेने वाला है क्योंकि मैस्टोर कप पार्ट टू में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपका कौन से यू नो प्रॉशन रखना है कौन सी बातों का ध्यान रखना है को किस तरह से मैंस्टोर कप की क्लीनिंग करनी है ये सब कुछ मैंने आपको पार्ट टू में बताया था एंड उसके दौरान मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे मतलब कि अभी भी मैस्ट्रो कप को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन है एंड लोग मतलब कि यूज करने से अभी भी डर रहे हैं तो आज की वीडियो में वो सारे सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले है सो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं सुविधा हो चैनी डीलर लेट्स गेट स्टार्ट तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैस्टर कप आपको किस तरह से यूज करना है किस तरह से उसको इंसर्ट करना है अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ये सब कुछ तो आपको पार्ट पार्ट एंड सा प्रिकॉशन दिया है तो अगर आप लोगों ने पार्ट पार्ट एंड मिस कर दिया हो तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पर दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना सो एक्चुअली फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे जो कि कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया है जो कि मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपका जो भी मैस्ट कप को रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है जो भी कुछ मिट से आपके दिमाग वो सारे में, में आज क्लियर कर सकूँ ठीक है सो so, उसके लिए मैं मेरा मोबाइल ले लेती हूँ जिसमें मैंने आ, सारे जो मुझे यूजफुल कमेंट्स लगे थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे ओके सो मैस्ट्रा कप को लेकर मुझे मिस सिंक बताती है डी मैं ऑलरेडी मैस्ट्रा कप यूज़ कर रही हूँ तीन चार महीनों से एंड पता नहीं क्यों पीरियड्स ख़त्म होने के बाद मुझे इंटीमेट एरिया में यू नो इरीटेशन होती है तो ये सब कुछ मुझे पहले नहीं होता था जब मैं पैड्स यूज़ करती थी एंड जब से मैं मैस्ट्रा कप यूज़ करी उसके बाद मुझे ये इरीटेशन वाली प्रॉब्लम होने लगी है ये सब कुछ क्या शो sure, कप की वजह से हो रहा है ओके सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रेंड्स क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कप को लेकर हमारे दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करते हो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कप की बात करूँ आप जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करते हो तो हमें उसके साथ सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि हमने आज जैसा कि यूज़ करना चालू कर दिया तो आज ही हम उसके साथ सेट हो जाएगी हाँ ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ही जल्दी सेट हो जाते हैं कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इट्स अ नॉर्मल थिंग अगर आपको पीरियड खत्म होने के बाद थोड़ी सी आ, इरिटेशन होती है तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है अपने अभी अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है धीरे धीरे आप सेट हो जाओगे तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी एंड साथ में आपको यह करना है कि अपने इंटीमेट एरिया की क्लीनिंग अच्छे से करें इंटीमेट हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है एंड फॉर दैट यू कैन ट्राई इंटीमेट वॉश एंड इंटीमेट वॉश के लिए आप क्लीन एंड ड्राई ट्राई कर सकते हो देन वी वॉश ट्राई कर सकते हो मैं आपको ये दो ही रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये मैंने यूज़ किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है ठीक है एंड अगर आप इस तरह से कुछ रेडीमेड वाला ट्राई करने से भी डरते हो तो सिंपली यू कैन यूज़ एलोवेरा जेल बट आपको एलोवेरा जेल और रेडीमेड वाला यूज़ करना है अपने घर में अगर प्लांट है तो उसका यूज़ नहीं करना है तो बस आपको इस तरह से एलोवेरा जेल या तो फिर कोई भी इंटीमेट वॉश रेगुलर यूज़ करना है एंड आप देखना कि विद इन टू टू थ्री डेज आपकी जो इरीटेशन है

स्पेशली करना पड़ेगा आप कप के साथ कुछ भी फ्रीली कर सकते हो चाहे वो पी हो या फिर वॉशरूम जा रहे हो या तो फिर आप स्विम कर रहे हो या तो फिर आप डांस कर कर रहे रहे हो हो कुछ भी कर रहे हो। कप के साथ आप सब कुछ इजिली कर पाओगे एक बार आपने मतलब कप को अपनी वजायना में इंसर्ट कर दिया ना उसके बाद जब तक आप खुद उसे रिमूव नहीं करोगे वो रिमूव नहीं होगा ओके डियर सो आई थिंक आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कैन मैं कप गेट लॉस इन साइड द मतलब क्या मैं कप हम यूज करेंगे तो कहीं वो अंदर मतलब खो गया तो कहीं वो अंदर घुस गया तो कहीं फंस गया तो ओके फ्रेंड्स अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ऐसा डर सबके दिमाग में होता है अगर आप पहली बार कप यूज करने जा रहे हो तो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार ये सवाल जरूर आता है कि कहीं वो अंदर घुस गया तो क्या करेगी क्योंकि अगर आप टेम्पोन्स यूज कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम अक्सर होती है बट डोंट वरी फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आपको मैं कप में फेस नहीं करनी पड़ेगी उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझा दूंगी को अगर आपने कप इंसर्ट कर लिया एंड आपने उसका पोजीशन प्रॉपर रखा है ना तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव आउट नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है कि आप ये सब कुछ एकदम इजीली कर पाओगे आई मीन इट मे टेक सम टाइम टू यू नो इंसर्ट एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ कप। अगर आप पहली बार यूज करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है सो बी पेशेंट विद इन टू टू थ्री मंथ्स आप इजिली मैस्ट्रोकप को इंसर्ट भी कर पाओगे एंड रिमूव uh, भी कर पाओगे देखो उसके बीच एक सिंपल रीजन है जो कि मैं आपको बता रही हूँ हमारी जो वजैनल कनाल होती है वो ओनली थ्री टू फोर इंच लॉन्ग होती है अंटिल इट रीचेज द सवेक्स मतलब की जो कि आपके मेस्ट्रोकप को आपके यूजर्स तक पहुंचने स्टॉप करता है सो आई होप कि मैं आपको क्लियरली सब कुछ समझा पा रही हूँ एंड आपके दिमाग में मैं लेकर जो भी कंफ्यूजन है ना वो आई थिंक मैं दूर कर पा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कप्स आर अनकंफर्टेबल एंड पेनफुल मतलब कैन यू सी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन खुद व खुद बता रहे हैं कि अभी भी मैंस्ट्रो कप को लेकर लोगों के दिमाग में मतलब कितना डर है लोगों के दिमाग में कितनी मिथ है कितनी सारे कन्फ्यूजन है नॉट एट ऑल आई मीन मैंट्रो कप आर नॉट पेनफुल एंड नॉट अनकम्फर्टेबल आपका मैस्ट्रोक कप को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये तो फ्रेंड्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी कम्फर्टेबल हो जाते हैं एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि uh, मतलब की कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हैं तो उन, उनके दिमाग में कुछ डर होता है

देन आपको थोड़ा सा पेशेंट रखने की जरूरत है बाकी तो काफी इजी है आ, मैं ऐसा जरूर बोलूंगी कि अगर आप टीनेजर हो या तो फिर आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बट अगर आप मैरिड हो एंड आप सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो एंड अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है वो भी खास करके नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है देन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है फिर तो आप बहुत ही ईजिल इंसर्ट एंड रिमूव भी कर सकते हो क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये फायदा होगा कि आपको उसे बार बार यू नो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे फ्लो में

इसे इंसर्ट कर लिया न, तो आपको बिल्कुल भी फील ही नहीं होगा कि आपकी बॉडी में जैसे कोई चीज आपने इंसर्ट करी हो क्योंकि मैं खुद तीन चार महीने से यूज करी एंड तीन चार बार यूज करने के बाद तो कर यूज नहीं करने वाली मैं मैं यूज क्योंकि पहली बार में मैं मैं कंफर्टेबल हो चुकी थी बहुत ही कंफर्टेबल है फ्रेंड्स प्लस ये बहुत ही बजट फ्रेंडली लेने वाला है इतने खर्चे आप पेट्स के पीछे करते हो ना आपको इसमें कप में काफी फायदा मिलने वाला है क्योंकि आप एक कप को दस साल तक यूज भी कर सकते हो नेक्स्ट मुझे पूछा कि दी न इट लूज आवर वजटी नो डर इट विल नॉट लूज यीजन हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि you lost your virginity and आपको पता भी ना चला हो सो so ऐसा कुछ भी नहीं है ये सिर्फ एक बिलीफ हैूज हो जाएगी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम क्या है टाइम पर मैं यूज करना सेफ है या

कि हवी फ्लो की वजह से पेस में जिस तरह से हमें रैशिज़ हो जाते हैं कभी कभी इरीटेशन होने लगती है तो ये प्रॉब्लम आपको कप में बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि पेस में क्या होता है कि जेल होता है एंड वो ब्लड को सोख लेता है जिसकी वजह से पूरा जो पैड होता है वो ब्लड से भरा पड़ा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि फ्लो कुछ ज़्यादा हो रहा है लेकिन कप अगर आप यूज़ करोगे एंड देखोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो चम्मच जितना ही ब्लड होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है बट वो पेस में पूरा फैल जाता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लो है ठीक है तो मेरे हिसाब से So में 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 रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो ये वीडियो को देखने के बाद आपका दूर हो गया फिर भी अगर आपको हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या तो फिर इंस्टा में डीएम कर सकते हो में बहुत ही जल्द कोई और अच्छे खास के साथ तब तक के लिए